आज रुजिरा बैनर्जी के घर पहुंच रही है सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए। कल ही समय दिया गया, लेकिन टीएमसी क्यों बार बार ये सवाल उठा रही है कि ये बदले की कार्रवाई है? देखिए, जब भी कहीं चुनाव होता है, उस चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के रूप में जो भी पार्टियां होती हैं, उनके नेताओं पर इसी तरह की कार्रवाई की जाती है। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बयान रहता है हर जगह, आज बंगाल में भी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वही बयान है। तो चुनाव की बेहतरनी पार करने का ये बड़ा सस्ता और क्या कहूं, अलोकतांत्रिक रास्ता है भारतीय जनता पार्टी का, कि किसी के चरित्र हरण का प्रयास करो, जनता की नजरों में उसकी छवि को धूमिल करो और फिर चुनाव जीतने का प्रयास करो। ये पुराना हथकंडा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन बंगाल की जनता इतनी प्रबुद्ध है, इतनी मैच्योर है कि वो इसका जवाब देना जानती है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की ममता है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जितेंद्र जी, आपने भी अभी कुछ ग्राफिक्स हमने दिखाए और उसमें जिस तरह के विवाद रुजिरा के साथ जुड़े रहे हैं, नागरिकता को लेकर जो विवाद हो, जहां पर पिता का नाम डॉक्यूमेंट्स में अलग है, इसके अलावा एक बार वो कस्टम विभाग के निशाने पर भी आ चुकी हैं जब एयरपोर्ट में उनके पोजेशन में गोल्ड था, 2 किलो के करीब ये सोना था। और उससे बड़ी बात यह कि गवाहों ने कोयला घोटाले के नाम में के मामले में अगर रुजिरा का नाम लिया है तो पूछताछ अगर सीबीआई करना चाहती है तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें परेशानी क्या है? मैं कहता हूं कि जो भी तथ्य सामने लाए जा रहे हैं, इसका जवाब रुजिरा खुद देंगी, बिल्कुल देंगी, और वो इसका सामना भी कर रही है। लेकिन मैं पूछता हूं कि इन सारे सवाल से बंगाल का कैसे भला होने वाला है? बंगाल की जनता को इससे क्या लाभ मिलने वाला है? चुनाव के समय बंगाल के सामने तो ऐसे मुद्दे लाने चाहिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो हमसे बेहतर क्या कर सकते हैं? ममता बनर्जी दुआरे सरकार के माध्यम से गरीबों को सहायता कर रही है, 5 रुपए में भोजन दे रही है। जितेंद्र तिवारी उठा रहे हैं मजुमदार जी, देखिए उनका सीधे सीधे कहना है मुद्दों की आपके पास कमी है, बंगाल के मुद्दों की आप बात नहीं करते और इसीलिए इस तरह के बदले की कार्रवाई, जबकि रुजिरा और उनकी बहन का नाम तो अभी तक सीबीआई के एफआईआर में है भी नहीं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि एक आईनाग जो बाद में क्लेम करता है कि मैं भारत का भी नागरिक, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में पिता का नाम कंप्लीटली डिफरेंट नाम आता है। गोल्ड के गोल्ड 2 किलो गोल्ड के सहित कलकत्ता एयरपोर्ट में पकड़ा गया था, तो क्या सीबीआई इसको छोड़ दे? ये पॉलिटिकल रॉयल फैमिलीज जो है हमारे देश में राजतंत्र चला गया, लोकतंत्र आ गया, लेकिन इस लोकतंत्र के साइड इफेक्ट के वजह से हर स्टेट में कुछ ऐसे एज वेल एज सेंट्रल में कुछ रॉयल पॉलिटिकल फैमिलीज तैयार हो गए हैं। नहीं तो यही तो बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं ना टीएमसी, वो यही तो कह रहे हैं कि क्या ये उनका गुनाह है कि वो अभिषेक बैनर्जी की पत्नी है और ममता बैनर्जी की बहू है? नहीं, सीबीआई की जो एफआईआर है उस पर तो नाम, उसमें तो उनका नाम नहीं है। मेरा और इस पूछताछ के टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग। मेरा अरे उनके ये जो कोयला घोटाला, इसका जो इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ कुछ महीने पहले चालू हुआ, जो लाला है, जो फरार था, तो उनका साथ उनके संबंध आ रहे हैं। लाला का पैसा अपना थाईलैंड के अकाउंट में गया है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के रिलेटिव के, तो सीबीआई को क्या करना चाहिए? अच्छा, अभिषेक बनर्जी की बीबी है, नमो प्रणाम करके वहां से छोड़ देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, ये करना चाहिए था क्या? या सीबीआई को चाहिए कि जो न्याय संगत हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लॉ उस पे फॉलो करना चाहिए। अगर बीजेपी का कोई नेता कुछ खराब काम करते हुए पकड़ा जाए तो हम यहाँ पे जाके ठोक के दावा करते हैं, उनके अगेंस्ट भी इंक्वायरी कीजिए, अगर वो गिल्टी है उसको सजा दीजिए, हम किसी को बचाने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की बौखलाहट इससे ही सामने आ रहे है कि वो चाहते हैं कि जो स्पेशल एक प्रोटेक्शन देना चाहिए रॉयल फैमिली को, पॉलिटिकल रॉयल फैमिली को, ये मोदी का भारत है, इसमें किसी की रॉयल्टी नहीं चलेगी, किसी रॉयल फैमिली की वजह से। आपके आरोप एक जगह, उस पर जितेंद्र तिवारी जी जवाब देंगे, लेकिन जितेंद्र तिवारी जी मेरा सवाल इससे आगे का भी है आपसे। देखिए, पिछले साल नवंबर में भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, तस्करी में कथित सरगना इनामुल हक की गिरफ्तारी हुई और इस तस्करी के तार यूथ तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी नेता विनय मिश्रा तक पहुंचे। विनय मिश्रा कहां है किसी को पता नहीं, सीबीआई की विशेष अदालत ने भी विनय मिश्रा को फरार घोषित कर दिया है, करीबी हैं अभिषेक बैनर्जी के। देखिए,
पहली बात तो सुकांतो जी के प्रति उत्तर मैं कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी के फैमिली को यदि कोई रॉयल फैमिली कहे, इससे बड़ा झूठ तो हो ही नहीं सकता। वो गरीब घर की एक महिला, उनका अपराध ही यही है कि वो गरीब घर की महिला वो मुख्यमंत्री बन गई, यही तो इनके पेट में मूल दर्द है। और जहां तक बॉर्डर पर गो तस्करी का मामला है, तो आप जानते हैं कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के हाथों में होती है, जो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि विनय मिश्रा कहां है? विनय मिश्रा कहां है? नहीं, ये खोजने, यदि किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करने का, उस व्यक्ति को खोजने का, उस व्यक्ति से प्रश्न पूछने का अधिकार तो एजेंसी को होता है। वो एजेंसी बता पाएंगे, वो तो भारत से लोगों को कैसे बाहर भेजना है एक के बाद एक, जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, जो हजारों हजार करोड़ रुपया भारत का गबन करते हैं, उनको भारत से कैसे बाहर भेजना है, इस पर उनका ध्यान ज्यादा रहता है।